में सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस के एक सांसद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पुलिसकर्मी के जूते को चूमकर सबको चौंका दिया। इस खबर की पूरे आंध्र प्रदेश में चर्चा हो रही है। इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वाईएसआर सांसद एक पुलिसकर्मी के जूतों को साफ करते और फिर होठों से चूमते दिख रहे हैं। दरअसल वाईएसआर सांसद गोरंतला माधव टीडीपी नेता जेसी दिवाकर रेड्डी के एक बयान से काफी खफा थे। रेड्डी के बयान के विरोध में ही उन्होंने अनंतपुरम में बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिसकर्मी के जूते को चूमा। रिपोर्ट्स के मुताबिक टीडीपी नेता रेड्डी ने कहा था कि उनकी पार्टी फिर जीत कर आई तो वह पुलिस वालों से अपना जूता चटवाएंगे। प्रदेश पुलिस के खिलाफ रेड्डी के इस बयान को माधव ने अपना भी अपमान माना था। यही वजह है कि जब वाईएसआर की सरकार बनी तो माधव ने रेड्डी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने रेड्डी इस बयान के विरोध में गांधीगिरी दिखाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने एक पुलिसकर्मी का जूता चूम लिया। यह जूता एक शहीद पुलिसकर्मी का था ड्यूटी के दौरान जिसकी जान चली गई थी। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि मीडिया के सामने पहले माधव पुलिसकर्मी के जूते को एक कपड़े से साफ करते हैं, फिर कुर्सी पर बैठकर उस जूते को अपने होठों से लगा लेते हैं। इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने माधव की तारीफ भी की है। JBD Banquets lie hai, Incredible Marriage Palace, Rajgharana, and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching, and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।